और मैं अधर्मी अनारे डॉक्टर जी लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी यूट्यूब चैनल। तो ये दर्शकों, आज हम आप लोगों को फिर लेकर के आ गए हैं हमारे धरित्र जड़ी बूटी विद्या में। एक अलग प्रकार की वनस्पति को लेकर के आए हैं, जड़ी बूटी को लेकर के आए हैं। एक बेला, बेला जानते हैं, बेल बोलते हैं जिसको, जो बेला होता है लंबाकार होता है वह पौधा कहे जाए तो वो बेला ये को लेकर के यहाँ देखिए, इतना बड़ा बेला है, ये बहुत बड़ा बेला होता है। इसका नाम केवटी बोलते हैं इसको, केवटी। यह एक विशेष प्रकार की बेला है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज अपने जीवन में रोग निदान करने के लिए, दूर रोग को दूर भगाने के लिए करते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यह केवटी बेला का उपयोग हमारे पूर्वज अपने जीवन में किस प्रकार से रोगों को दूर करने के लिए करते थे। तो सर्वप्रथम आप लोग ये देख लीजिए, ये है केवटी का बेला। मैं खींच रहा हूँ, गिर जाए तो ठीक है, नहीं गिरेगा तो मैं ही गिर जाऊँगा। ये देखिए, ये है इसका पतला वाला बेला, ये देखिए। अब मैं नहीं गिरा हूँ, बेला ही गिर गया। ये देखिए, ये केवटी का बेला है, इस प्रकार से बेला है। ये बड़ा छोटा आकार में है। और ये बेला, बेला का जो आप पत्तियां को देख रहे हैं तो बेला होता है, ये बड़ा आकार में है। यह फलता है, छोटा छोटा फलता है, ऐसे शीशम की फल जैसा छोटा छोटा पतला पतला। उस फल में पहले हम आप इसको आपको हम इसके फल का उपयोग बताएंगे। वो फल को निकालते हैं तो फल एक तिलहन फल है जिससे तेल निकलता है। वो तेल निकलता है और उस तेल का उपयोग हमारे लोग अपने जीवन में खाने के लिए भी करते हैं और साथ ही साथ चर्म रोग, किसी व्यक्ति को चर्म रोग है या शरीर के ऊपरे में कोशिकाओं में मांस में अगर किसी को रोग है, चर्म रोग है, घाव है, फंसी है, फोड़ा है, तो उसमें इसको लगाते हैं और लगाने से उसको चर्म रोगों की परेशानी दूर हो जाती है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस साइटिका जैसा परेशानी है, नस में प्रॉब्लम है या उसको लकवा मार दिए हैं, तो ये जो इस बेला की जो छाली होता है, ये देखिए छाली होता है, इसका छाल निकाल लीजिए। छाल निकालने के बाद उसको चूर्ण बना के पुराने गोली में, पुराने गुड़ में उसको एक एक बाटी की आकार यानी 10-10 ग्राम की गोली बना लीजिए और उस गोली को आप उसको खिलाइए तो उसको पहला परेशानी जो लकवा साइटिका और नस का परेशानी है वो दूर होगा। दूसरा, अगर किसी को गैस का परेशानी होता है तो गैस में भी ये जो पाचन तंत्र में गड़बड़ है तो ये इसका जो छाली उसमें भी उपयोग आता है। तीसरा, इसी के छाली को आप क्या कर लीजिए, पीस करके सरसों के तेल में या फिर अलसी के तेल में आप इसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद छान लीजिए। छानने के बाद उस तेल को आग की आँच, धीमी आग की आँच दिखा दिखा करके साइटिका, पैरालिसिस अगर किसी को, भाइयों को है या किसी भी लोगों को है, तो वो उसका मालिश करे तो उससे भी उनकी परेशानी दूर होती है। ऐसा इस बेला का एक औषधिक गुण है, रोगनाशक गुण है, जिसको हमको अपने जीवन में करनी चाहिए। इसमें आप करके देखिए, किसी भी प्रकार से नुकसान, किसी भी प्रकार से साइड इफेक्ट इससे आपको नहीं होगी, इसका फायदा ही फायदा होगी। अगर आप कंटिन्यू इसको करें तो साइटिका की परेशानी वाले, साइटिका की जो पेशेंट हैं या रोगी हैं, तो उनको कम से कम 15 दिन में उसके नसों में तनाव जो होती है, नसों में जकड़न जो होती है, वो तनाव होने शुरू हो जाएगा और उसकी परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी। लकवा की पेशेंट है उनको भी इस पर इसका विधि करना चाहिए, इसका आप अपने जीवन में उपयोग करके देखना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है तो किसी भी भाई को, अगर कोई भी आप जानते हैं अगर इसको है तो आप उपयोग करें, अवेलेबल नहीं है तो आप आ करके निःशुल्क मजदूरी दर के हिसाब से आप निःशुल्क इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। हम इसका निःशुल्क सेवा आपको को देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि इस वनस्पति की जो विद्या है, ज्ञान है, उसका उपयोग आप अपने जीवन में करें और आपका परिवार और आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, निरोग रहें, यही हमारी अपेक्षा है। और इस वीडियो बनाने के पीछे हमारी एक लक्ष्य यही है कि हम हमारी लोगों को अपने ज्ञान
हमारी परंपरागत रूढ़ी प्रथा से जो चली आ रही वनस्पति ज्ञान और तंत्र मंत्र की ज्ञान, यंत्र की ज्ञान या फिर हमारे ऐतिहासिक ज्ञान और मान्यताएं, इसको हम आप लोगों के सामने बता सकें ताकि आप भी इसका फायदा ले सकें। तो जिस भाई को किसी भी प्रकार से इस तरह की परेशानी है तो आप उसको तत्काल लाइए और अपने जीवन में इसका उपयोग करिए। दूसरी बात, इसका उपयोग करने का समय भी रहता है। जैसे पानी चढ़ता है, पानी जैसे बरसात का समय आता है तो इसको आषाढ़ से लेकर के कुंवार तक के इसका छाली का उपयोग ना करें, क्योंकि जब बरसात का समय आता है तो पानी चढ़ा रहता है, पानी इसका सूखा नहीं रहता है, इसलिए वो उतना उपयोग नहीं करेगा। अगर आप इस समय कुंवार के बाद अगर इसकी छाली का, कोई भी छाली हो, कोई भी पेड़ पौधा की छाली हो, अगर छाल का आपको उपयोग करना है तो आप बरसात के, वर्षा ऋतु के बाद ही करें, क्योंकि वर्षा ऋतु में बरसात का पानी चढ़ा रहता है तो पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, उनकी गुण के जो सघन है वो कम रहती है, इसलिए उसका फायदा तो ज़रूर करेगा आपको, लेकिन पानी ज़्यादा रहेगा इसलिए वो फायदा कम करेगा। और अभी के समय में आप लेंगे तो पानी सूख गया है, इनका जो टोटल इनका पेड़ का ही की छाल का ही इनका जो गुण है वो है। तो आज के समय में अगर आप गर्मी के समय में इसकी छाल का उपयोग करते हैं तो ये ज़्यादा आप लोगों को फायदेमंद होगा। हम आप लोगों को 7 चरण में जड़ी बूटी, पेड़ पौधा, वनस्पति, फल फूल, इनका उपयोग, हमारे कंदमूल, इनका उपयोग, इनको कब खाना है, कैसे खाना है, किस समय खाना है, किस समय जंगल से इसको तोड़ के लाना है, ये हमारी लोगों का भी एक बहुत बड़ा रिसर्च रहा है, बहुत बड़ा एक खोज रहा है। भाई आपको फल का उपयोग करना है, फल पका नहीं है, आप खाओगे आम को, अगर कच्चा है आम, कच्चा आम को खाओगे ज़्यादा खट्टा रहेगा, पक्का आम खाओगे तो मीठा रहेगा। तो उस प्रकार से आप जब इसका उपयोग करेंगे तो इसका गुण के हिसाब से, इनकी मौसम के अनुसार से अगर आप उनका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, फायदेमंद होगा और आपको यह ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों को हम इस वीडियो में बताए कि इस केवटी बेला का उपयोग। फिलहाल आप सभी को इतने ही कहकर हम सादर सेवा जोहार करते हैं, जोहार करते हैं, और आप सभी से हम यही उम्मीद करेंगे, यही अपेक्षा करेंगे कि आप आपके अपने जीवन में इसका उपयोग करें। फिलहाल आप सभी को सेवा जोहार। जय लंकेश, जय गुणवाना, जय लंकेश। छीन के लेंगे अपना हक।